तो शुरुआत करते हैं, आपको इस बिजनेस में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? बिजनेस की प्रेरणा फादर के टाइम से ही था। बिजनेस फादर ने चालू करके दिया था, फैमिली बिजनेस है। तो आपने किस तरह से इसको आगे बढ़ाया? हमने किस तरह से आगे बढ़ाया, साथी मिलते चले गए, लोगों का साथ मिलता चला गया और काम आगे बढ़ता चला गया। अच्छा, अपना मुख्य बिजनेस क्या है? हम मुख्यतः जितने भी स्क्रेप और रेसिड्यू होता है, वेस्ट टू वेल्थ, जितने भी वेस्ट निकलती है, जैसे बैटरी आप काम में लेके कोई चीज लेते हैं, कई इंडस्ट्री में बाय प्रोडक्ट्स है, कई रेसिड्यू निकलती है, वेस्ट निकलती है, उनको प्रोसेस करने का काम करते हैं। और उसका एंड प्रोडक्ट क्या है? एंड प्रोडक्ट हम इसका प्योर यूजेबल प्रोडक्ट बना देते हैं। मोस्टली तो हम जैसे लेड बनाते हैं, टिन बनाते हैं, शीशा बनाते हैं, रंगा बनाते हैं, जिंक बनाते हैं। तो अपनी कंपनी की मुख्य शक्तियां क्या हैं? स्ट्रांग पॉइंट्स क्या हैं? क्या बोल रहे हैं आप? आपकी कंपनी की आज मुख्य शक्ति कंपनी क्या है? स्ट्रांग पॉइंट्स मुख्य कौन स्ट्रॉन्ग से हैं? पॉइंट हमारा टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोसेस। तो टेक्नोलॉजी आपने खरीदी है या इंडिजिनस डेवलप की है? हमने खुद डेवलप करी, मोस्टली 90%। और आपके क्लाइंट कौन सी इंडस्ट्री है? क्लाइंट हमारे कौन सी क्लाइंट्स क्लाइंट कौन लोग हैं? हमारे पास, जैसे हिंदुस्तान जिंक है, अभी नया नया रिलायंस जुड़ा है, आपके स्नाइडर है, एक्साइड है, जितनी बड़ी कंपनियां सारी है। तो अपनी कंपनी के अचीवमेंट्स क्या हैं आपकी? अचीवमेंट में तो हमारे पास अभी करीब 17 कंपनियां हैं और 1600 करोड़ का टर्नओवर कर लिया और 1200 आदमी है। और कितने स्थानों पर प्लांट है आपके? लोकेशन कितने जगह पर है? है? हमारे कोटा में है, कठुआ में है, जम्मू के पास है, फिर दूसरा हमारा एक एंसिली यूनिट है हिंदुस्तान जिंक के जॉइंट वेंचर में, दरीबा और चंदेरिया। अब पिछले कुछ महीनों में क्या चैलेंजेस आए आपके सामने? कोविड के टाइम पे मेन चैलेंज हमारे पास लोकल लेबर्स की दिक्कत रहती थी, क्योंकि लेबर्स हमारे पास बिहार यूपी की ज़्यादा थी, वो सब अपने माइग्रेशन हो गई थी, उनको वापस लाने में हमको बड़ी दिक्कत आई, लेकिन अभी तो हमारा नॉर्मल प्रोडक्शन आ गया है, जो पहले था उसी लेवल पे आ गया है। आपका ब्रांड कितना मजबूत है? क्योंकि हम कमोडिटी में रहते हैं तो ब्रांड की कोई इतनी इमेज नहीं रहती, क्योंकि कमोडिटी तो बाई वर्च्यू ऑफ क्वालिटी बिकता है, तो जो टेस्ट रिपोर्ट के भाप के ऊपर जो कमोडिटी, जैसे शीशा बेचा तो शीशा हम एलएमई ब्रांड बनाते हैं और क्वालिटी स्पेसिफिकेशन से बनाते हैं, तो उसमें ब्रांड नहीं रखते हम कोई भी। अपना पिछले 5 साल में कितना परसेंट ग्रोथ आया है? कितना विकास हुआ है? ग्रोथ हमारी हर साल ईयर टू ईयर देखेंगे तो 25% ग्रोथ है। और अभी आपको क्या परसेंटेज दिख रही है? इस पर्टिकुलर साल में हो सकता है ग्रोथ कम रहे, हमारी 10% के आसपास रहे, क्योंकि 2 महीने 1.5 महीना प्रोडक्शन थोड़ा हैम्पर हुआ था। तो आगे फ्यूचर और भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि यूज बढ़ रहा है, लोग अपना कंजम्पशन भी बढ़ा रहे हैं, और लेड इसमें हजार्डस वेस्ट होने के नाते प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बहुत कम है, तो अपॉर्चुनिटीज बहुत है। कंपटीशन के बारे में कुछ बताइए। ना कंपटीशन नहीं, क्योंकि हम तो नई चीज ही करते हैं और हमारी इंडस्ट्री में इतना कंपटीशन नहीं है। और वैल्यू एडिशन कितना है इसमें? वैल्यू एडिशन लगभग 40%। और मार्केट शेयर कितना है अपने पास? मार्केट शेयर जिसके यहाँ जो वेस्ट निकलता है, जैसे हम हिंदुस्तान जिंक का करते हैं तो 100% उनकी पूरा वेस्ट उठा लेते हैं, तो वो तो 100% करते हैं, बाकी और भी जिस स्मेल्टर का किसी इंडस्ट्री का है तो उसके टाई अप करते हैं, तो लगभग उसका 100% उठा देते हैं। फिर आपकी टीम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? टीम हमारे पास अच्छी है साहब।
डॉक्टर एनडी शर्मा जी हैं आरएनडी में, उनके लीडरशिप में ये सारा हम डेवलप करते हैं, फिर प्लांट में भी है। कंपनी के भविष्य के बारे में कुछ बताइए। भविष्य के बारे में हम तो वेस्ट टू वेल्थ काम कर रहे हैं, तो अच्छा ही रहना चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं लग रही है ऐसी। आपकी बिजनेस फिलॉसफी क्या है? बिजनेस पर ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना और दूसरी इंडस्ट्री की जो समस्या है डिस्पोजल के प्रति, हजार्डस वेस्ट के प्रति, उसको सॉल्व करना। इन्वेस्टरों के प्रति आपका क्या संदेश है? इन्वेस्टर्स को हमारे साथ काम करेंगे तो जैसा हम कमा रहे हैं उनको भी उतना ही पैसा मिलेगा, मैं उनको आनंद आएगा। आपकी सफलता का क्या राज है? ट्रांसपेरेंसी और कार्य पे ध्यान देना। अन्य कोई महत्वपूर्ण बात आप बताना चाहें, कोई स्टोरी शेयर करना चाहें? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, जहाँ भी जाते हैं विश्वास करते हैं, क्योंकि मैंने कहा उनकी समस्या दूर होती है तो हमको कोऑपरेशन भी बहुत मिलती है। जैसे हिंदुस्तान जिंक में भी जाते हैं तो उनका सीईओ भी रिसीव करता है, अच्छे हमको वेलकम है। अभी रिलायंस से काम चालू किया तो एवरीडे कॉल करते हैं, भाई आइए आप, हम प्लांट देखिए।